मुंबई के अंदर जो बीडीडी चाल का पुनर्विकास हो रहा है वहाँ पे राज्य सरकार के माध्यम से पुनर्विकास होते हुए उन्होंने वहाँ पे जो कायम सर्दी जो भाड़ेकरू है उनके लिए 500 स्क्वायर फुट का जो सदनी का देने का काम किया है। साथ में जो कई सालों से हमारे पुलिस कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं उनको 15 लाख के अंदर वो वहाँ पे उनको सदनी का मुफ्त घर मिलने वाला है। इसी धरती के ऊपर इसी पॉलिसी के अंतर्गत मैं ये मांग कर रहा हूँ कि मुंबई के जो BIT चाल है काफ़ी जगह पे है, जैसे मझगांव थारवाड़ी में लवलेन BIT चाल है, चिंचबंदर BIT चाल है, बॉम्बे सेंट्रल है, परेल है, कोलीवाड़ा है, या जहाँ जहाँ पे भी BIT चाल है वहाँ पे भी ये जो चाले है वो कम से कम 80 से 100 साल पुरानी हो चुकी है और इनकी जो मालकी हक है वो महानगर पालिका के हाथ में है। यहाँ पे भी हम भविष्य में रिडेवलपमेंट यहाँ पे होता है, जैसे मेरे यहाँ पे मझगांव तारवाड़ी में पुनर्विकास का प्रक्रिया चालू है। हम मांग कर रहे हैं कि जैसा बीडीडी चालू को वहाँ के लोगों के लिए 500 स्क्वायर फुट का घर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के अंतर्गत देने का वादा किया या कर रहे हैं, उसी अंतर्गत BIT चाल के लिए भी एक पॉलिसी राज्य सरकार के माध्यम से बनाई जाए और वहाँ के जो रहने वाले हमारे भाड़ेकरू है उनको भी किमान कम से कम 500, उससे ज़्यादा मिलेगा तो और अच्छा, लेकिन कम से कम 500 स्क्वायर फुट का उनको मुफ्त घर मिलना चाहिए। साथ में उनके साथ में रहने वाले दो तीन तीन पीढ़ियों से रहने वाले हमारे BMC के कर्मचारी है, हमारे कामगार भाई है जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी कायम स्वरूपी घर उसके साथ में मिलना चाहिए। और पुलिस बांधव जहाँ पे हमारे रह रहे जिस मझगांव तारवाड़ी के अंदर लगभग 50-55 के आसपास वो घर है वो भी दो तीन तीन पीढ़ियों के साथ में रह रहे तो उनको भी BIT चाल की धरती के ऊपर वो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के अंतर्गत एकदम घर मिलना चाहिए, खुद के मालिक का घर होना चाहिए, मालकियत का घर होना चाहिए। ये हमारी मांग है, इसके लिए हम लोग आए। साथ में हमारे मझगांव तारवाड़ी के जो BIT चाल नंबर 14, 15, 16 के जो भाड़ेकरों को यहाँ से उनकी इमारत धोखादायक थी इसलिए माहौल में भेजा गया संक्रमण शिविर में, वो आज भी पिछले छः साल से वहीं पे बैठे हुए हैं, वहीं पे रहते हैं। वहाँ का प्रदूषण आपको पता है, वहाँ पे नज़दीक कोई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं है, नहीं कोई अच्छा अस्पताल है। उनको आज भी मझगांव में आके अपना इलाज डॉक्टर के पास करना पड़ता है। बच्चे तो आज भी स्कूल में मझगांव में आते हैं, बाइकल्ला में आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि उनको यहाँ से जल्द माहौल से मझगांव तारवाड़ी में आके उनके खुद का घर होना चाहिए और पुनर्विकास जल्द से जल्द होना चाहिए। टाइम बॉम्ब मैटर होना चाहिए कि इतने समय के अंदर ही होगा ताकि हमारे माहौल के लोग भी जल्द से जल्द यहाँ पे आए। अपन सगळेजण पाहतो की मुंबईमध्ये बीडीडीचा पुनर्विकास राज्य सरकारच्या माध्यमातून होत आहे आणि राज्य सरकार हे पुनर्विकास त्या ठिकाणी करत असताना तिथे राहत वर्षानुवर्ष राहत असलेले जे भाडेकरू आहेत त्यांना 500 स्क्वेअर फूटचं घर त्या ठिकाणी मोफत देणार आहे। त्याचबरोबर त्या भाडेकरूंसोबत पिढ्यानपिढ्या जे पोलीस बांधव आमचे राहत आहेत त्या पोलीस बांधवांना देखील 15 लाखापर्यंतचं घर त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी देण्याचं एक पॉलिसी डिसिजन राज्य सरकारने घेतलेलं आहे। या पॉलिसी डिसिजनच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या सोबत माझी मागणी आहे की मुंबईमध्ये अनेक BIT चाळी आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून माझगाव तारवाडीमध्ये ज्या BIT आहेत ज्या ठिकाणी ऑलरेडी पुनर्विकासाची प्रक्रिया चालू आहे त्या ठिकाणच्या रहिवाशांना किमान 500 स्क्वेअर फूटचं घर, त्याच्यापेक्षा जास्त मिळालं तर खूप चांगलं आहे, पण किमान 500 स्क्वेअर फूटचं घर त्या ठिकाणी मोफत आमच्या रहिवाशांना भाविकांना मिळावं। त्या ठिकाणी आमचे अनेक BMCचे कर्मचारी आहेत जे तिथे पिढ्यानपिढ्या राहतात त्यांना कायमस्वरूपी घर तिथे मोफत मिळण्यात यावं। त्याचबरोबर जे पोलीस कर्मचारी आहेत जे दोन तीन तीन पिढ्या तिथे राहत आहेत त्यांना देखील त्या ठिकाणी BIT चाळीच्या धर्तीवरती पॉलिसी डिसिजन म्हणून BIT चाळीमध्ये पुनर्विकास होत असताना त्यांचा हक्काचं मालकीचं जर पोलिसांना देखील मिळालं पाहिजे ही भूमिका या ठिकाणी आपण घेतलेली आणि ही संपूर्ण आम्ही जे काही प्रक्रिया ती आम्ही पत्रव्यवहार राज्य दरबारी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता विधानसभा आणि विधान परिषद विरोधी पक्षनेता आणि इकबाल सिंग चहल आयुक्त आपले यांच्याकडे आम्ही हा पत्रव्यवहार केलेला। ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट।